नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 फरवरी 2019 को भारत के सभी सेबी के ऑफिसों का घेरा होना था और साथियों सभी निवेशकों ने 25 फरवरी 2019 को दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के सेबी ऑफिसों में घेराव भी किया। लेकिन साथियों, क्या आप सभी लोगों को पता है 26 फरवरी 2018 को भी सेबी हेड ऑफिस का घेराव हुआ था, जो कि यह घेराव जनलोक प्रतिष्ठान संगठन के नेतृत्व में हुआ था और वहां से सभी निवेशक सिर्फ और सिर्फ निराश होकर लौटे थे और उस दिन को आज एक साल पूरे हुए। साथियों, आपको कैसा महसूस होगा अगर हर पीड़ित निवेशक पूरे देश में एक साथ सभी राज्यों की राजधानी स्थित सेबी के मुख्यालयों का घेराव करे और सरकार को मुर्दाबाद के नारे लगाए। देश की सभी राज्य की राजधानी में एक साथ कई किलोमीटर की रैलियां निकाली जाए, विरोध प्रदर्शन किया जाए तथा आपके कानों में किसी भी सूचना के माध्यम से आपको सूचित किया जाए कि क्या आपने सुना कि आजादी के बाद पीड़ित लोग ऐसे एकजुट हुए। साथियों, कल ऐसा ही कमाल संगठन के आह्वान पर हुआ। सभी पीएसीएल साथियों ने एकता दिखाई और अपने पैसों की मांग के लिए रोडों पर उतर गए। लेकिन अफसोस की यह बात है कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ अपना धर्म नहीं निभाया। एक बार यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं व सोच सकते हैं, क्या आप जो खबर पढ़ते हैं या जो आप अखबार पढ़ते हैं या फिर टीवी पर देखते हैं, उस पर आप विश्वास करना चाहते हैं? क्या उस पर विश्वास करना सही है? क्या यह टीवी और अखबार हिंदू मुसलमान की डिबेट के लिए ही बने हैं, अथवा आपके जनसेवक द्वारा नौटंकी करके दलितों के पैर धोने, उन्हें दलित होने का एहसास करवाकर उन्हें लज्जित करना तथा एक प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार के कृत्य से सीधा सीधा संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले बहुत ही शर्मिंदगी भरे कृत्य को भी महिमा मंडित करके बात को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करने और उस पर घंटों बहस करने के लिए बने हैं? क्या आप वोटिंग मशीन में जिनके समर्थन में बटन दबाते हैं वह व्यवस्था कितनी न्यायपूर्ण है? उसमें गरीब पीड़ितों की आवाज कितनी मायने रखती है? अफसोस की बात है साथियों, यह सोचने के लिए हमारे पास एक क्षण भी नहीं है, क्योंकि साथियों हमारे ऊपर लगा हुआ है पीएसीएल कंपनी के निवेशक का धब्बा। और साथियों, अलग अलग जगहों पर पूरे देश की विभिन्न भाषाओं में रैलियां, नारेबाजे, महिलाओं की चीत्कार करती हुई तस्वीरें अगर आप देखें तो आपको इस प्रकार की भ्रष्ट और एकदम खराब व्यवस्था से त्रस्त राष्ट्र पर कितना गर्व होगा या शर्म आएगी। लेकिन साथियों, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हम इस पर गर्व करें। और साथियों, जिन लोगों ने इस रैली में भाग लिया है और जिन लोगों ने इस गूंगी बहरी सरकार को दिखाने का साहस किया है, उन सभी साथियों को नमन है। और साथियों, इन सभी गूंगी बहरी सरकारों को दिखाना है कि तानाशाही और तुम्हारी गूंगी हरकतें इस भारत में नहीं चलेगी। और साथियों, आप सभी को नमन है जो आप लोगों ने घर से बाहर निकलकर इतनी साहस दिखाई, जो कि आने वाले समय में इस साहस का हमें बहुत महत्वपूर्ण फल मिलेगा और पीएसीएल मैनेजमेंट को अपनी सारी ब्रांचें ओपन करनी होगी और हम सभी निवेशकों का पैसा अपनी ब्रांचों से देना होगा। और साथियों, माननीय सीबी यादव जी ने आप सभी लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी दी है, तो चलिए साथियों देखते हैं माननीय सीबी यादव जी ने आप सभी लोगों को क्या संदेश दिया है। और साथियों, इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना कीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी निवेशकों तक पहुँचे और उनके अंदर भी अपने पैसे पाने की चाहत जलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि पीएसीएल और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। लेंगे और ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, उनको लगता है कि हम ही इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो मैंने ये समझा, मैं बहुत गहरे से इस बात को रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था और मैं ये समझ रहा था कि भाई इसका हम दे भी देंगे, प्रदर्शन भी कर देंगे, तो जब तक वो गरीब आदमी जाकर के अपनी पीड़ा नहीं सुना पाएगा तब तक उसकी भावना कैसे समझी जाएगी। मैं बार बार एक बात पर चिंता रहा लास्ट तक की। मैंने कहा साहब दो बात है, पहले आपने मेरा कागज पढ़ा तो नहीं समझ पाई, ये मेरी सेबी डायरेक्टर से बात हो रही थी और सेबी की एक नोडल कमेटी जो बनाई रखी है, जो पीएसीएल का मैटर देख रही है, उसकी जो चेयरपर्सन है वो अनीता किंकर, वो कह रही थी आप हमको दे दो ना। मैंने कह रहा कि हम दे देंगे, तो देखिए जब मैंने आपको दिया तो आप कितना समझे। अब आप मेरे से फोन पे बात कर रहे हो तो मेरे को एक बात बता दो, फोन पे बात करने के बाद में आपकी समझ में बदलाव आया या नहीं आया? और यही बात अगर मेरे से व्यक्तिगत बैठ करके करो तो फिर कितना बदलाव आएगा।
मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा हम आपके विरोधी नहीं है। आपके सिस्टम को अगर आप चाहते हो करें, हम चाहते हैं सही करना, तो फिर हमारा साथ लीजिए ना। अब आप बैठ के पॉलिसी क्यों बनाते हो? तो पूरे देश के आंदोलन का मुंबई से अपनी बातचीत हो रही थी, सेबी के डायरेक्टर से बातचीत हो रही थी, जयपुर से हो रही थी, और पूरे देश में अपने ही आह्वान पे आंदोलन। हमारे अमर सिंह भी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे अवध से भी आ चुके हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष। वो आ गए क्या चंदेल जी? अभी नहीं आए, आने वाले। झांसी से कुशवा जी आ गए हैं। तो अमर सिंह जी, मैं स्टार्ट करूं ये बताना जो हमारे ज्ञापन दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। जैसा कि संगठन के माध्यम से आपके मुख्य कार्यालय को दिनांक 18/7/2018 एवं 25/8/2018 को दो ज्ञापन दिए गए थे, जिसमें पीएनडीएल की समस्याओं को आपको अवगत कराया था। किसको? सेवी को। पूर्व में जो दो ज्ञापन हम लोगों ने किए हैं उसका ब्यौरा हमने नंबर वाइज खोला है, ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि दो ज्ञापन हम पूर्वों को दिया है। इसमें हमने थोड़ा सा ये किया है कि मान्यवर संगठन आपको पुनः अवगत कराना चाहता है कि सेवी द्वारा पीएसीएल लिमिटेड 22/8/2014 को प्रतिबंधित किया गया, जिसके विरोध में पीएसीएल लिमिटेड सेट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, और एक कमेटी बनाई श्री आर एम लोढ़ा जी की अध्यक्षता में। इस दौरान निवेशकों को हुई समस्या से संगठन आपको अवगत कराना चाहता है, ये हम सेबी से कहना चाहते हैं। पहला पॉइंट, थोड़ा सा पानी होगा किसी के पास? एक मिनट लालू पानी दो। जो कि अगस्त 2014 से फरवरी 2016 तक पीएसीएल लिमिटेड के ऑफिस खुले थे, इस दौरान अधिकांश निवेशकों ने अपना दावा प्रस्तुत किया था। दावा प्रस्तुत करने के लिए अपने पॉलिसी, बॉन्ड और रसीदों को पीएसीएल लिमिटेड के कार्यालयों में जमा करा दिया था, जिसकी केवल निवेशकों के पास पावती यानी कि रसीद है। ऐसे निवेशकों की रसीद को स्वीकार किया जाए। दूसरा पॉइंट है, सेबी द्वारा निवेशकों से पॉलिसी, बॉन्ड एवं रसीदें इसके Let's go.
बीच में आ जाओ, छीट भी छोड़ रखा तो। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चीट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।